अगली खबर है राजनीति से जुड़ी हुई, जहां सीधी जिले के दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री तथा जिले के मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन तथा जिले के विकास कार्यों की कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत समीक्षा की। पटेहरा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में गृह मंत्री ने कहा कि सीधी जिले में जल्द उद्योग लगेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जनपद पंचायत सीधी के पटेहरा में जन समस्या निवारण शिविर में कहा कि सीधी विधायक ने उन्हें बताया है कि गांधी ग्राम के पास गोरियरा पहाड़ में ग्रेफाइट के अयस्क पाए गए हैं। इसको लेकर सीधी जिले में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं यह दायित्व सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल को ही सौंपता हूँ। उन्होंने कहा कि इच्छुक उद्योगपति का चयन करें और मुझे सूचना दें, मेरे द्वारा उद्योग लगाने की पहल की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जब तक यह प्रक्रिया नहीं होती तब तक किसी ठेकेदार को पहाड़ में खनन का ठेका ना दिया जाए। इस मौके पर सांसद द्वय अजय प्रताप सिंह और रीति पाठक, विधायक केदारनाथ शुक्ल, कुंवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, डॉक्टर राजेश मिश्र, गुरुदत्त शरण शुक्ल मालिक सहित सीईओ जिला पंचायत राहुल धोटे, एएसपी अंजुलता पटले, एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार सौरभ मिश्र व सीईओ राजीव मिश्र व जन समुदाय मौजूद रहा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।